नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। अरे अपना इलाका लोगन वैक्सीन तो करा चले क्या ना वैक्सीन तो करा सर वैक्सीन तो बता पानी के लाम सर इनके पास वैक्सीन नहीं पानी के लाम निष्पड़ा ना है निष्पड़ा बहुत लोगों के निष्पड़ा ना एक तो बचत करने पड़ेगा ना एक तो बचत सर क्यों कल एक बचत सर मैं मेरा सर भय तो खाली ही होया कि जब वैक्सीन लोगों ना मेरे तो खाली भय है ना ना पहले धंधा बंद कर देता हूँ तुम्हें रेट कर ब्लॉक कर दो ये वैक्सीन लेने में पूरा घाटा कर दो बंगी बंगाल में जो भी रहने वाले हैं जिन बाधिता वैक्सीन दिया जाए जन कल्याण क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। हमारे के चेयरमैन साहब अमरनाथ चटर्जी साहब आए थे, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर खुशी घटक अभिजीत घटक आए थे और डॉक्टर एवान है, डॉक्टर नागुरी साहब हैं और फिर हमारे खुद की गौरव के दीपक भट्टाचार्य साहब हैं जो है जुड़े हुए हेल्थ का काम करते हैं। तो आज यहाँ पर तमाम महिलाएं वैक्सीन ले रही हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों ने साहस दिया, बहुत लोग डरते हैं लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, पूरी मेडिकल टीम के साथ यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है और इसके लिए मैं इस वार्ड का काउंसिलर हूँ, मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। खुशी होगी कि हमारे इलाके के लोग ले रहे हैं और कल्चर कर ले रहे हैं। आज 300 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए तो उसके बाद जो लोग बाकी रहे उनसे प्रोग्राम कर देंगे। कितने कर्मी हैं यहाँ पर? लगभग कर्मी आज के क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? कार्यक्रम नहीं था, आज सीपी साहब हम लोग का प्रेसिडेंट दीदी को फोन करके बताया कि हम लोग फिर विजिट करने आ रहे हैं। उसका मेन मुद्दा था कि यहाँ सब सेक्स वर्कर है तो लोग को वैक्सीन देने के लिए COVID-19 का वैक्सीन देने के लिए लोग प्रस्तुत है, हम लोग को तैयार करने होगा। कितना आदमी वैक्सीन वाले लिस्ट करने के बाद सीपी साहब सबको वैक्सीन दिलाने के लिए सहयोग करेंगे, सबको तैयार करके हम लोग वैक्सीन का डेट इशू करेंगे और उस डेट में वैक्सीन दिया जाएगा। सो तो सीपी साहब का यही मुद्दा, वैक्सीन देने का मुद्दा मेन मुद्दा था। बहुत तरह का आदमी आता है कस्टमर बन के, तो वो लोग तो यहाँ कितना कर्मी होगा लगभग? लगभग यहाँ तो हम लोग का तो 600 से ऊपर है, लेकिन हम लोग का जो ऑफिशियल लाइन लिस्टिंग है, लाइन लिस्टिंग में 565 आदमी सेक्स वर्क। अभी लॉकडाउन में कुछ कितना को वैक्सीन मिल चुका है? अभी तक वैक्सीन नहीं मिलेगा, वैक्सीन शुरू होगा, वैक्सीन ही लोग का शुरू होगा, आज दिशा में शुरू हुआ है, कल परसों हम लोग यहाँ एखे कार्यक्रम हो जे महामारी बीमार ये कोरोना कोरोनार जन्ने हमरा अनेक जना के बोले थी जे कोरोना छुई नीते हबे वैक्सीन, तो ओरा केउ आमार कथा सुनछे नाई, माने 130 जना निएछे। আজ আমাদের সিপি স্যার এসেছিল, তো উনি পুরা প্রোগ্রাম করে গেল পুরা পাড়া ঘুরে যে সবকে ভ্যাকসিনের আপনি লিস্ট করুন আর সবকে বলুন যে ভ্যাকসিন নিতেই হবে, ভ্যাকসিন যদি না নেয় তো এখানে পাড়ায় সব বন্ধ করে দেবে, থাকতে দেবে না। এবার তাদের চিন্তা তাদের কাছে থাকলো, আমাদের বরবর মালিক আমরা বললাম। আমার নমস্কার, আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় এখানকার আমি মহিলা সমিতির প্রেসিডেন্ট মর্জিনা শেখ। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস করি, আমরা প্রত্যেকে মমতা ব্যানার্জির সৈনিক, দিদির সৈনিক। সুতরাং দিদি যেভাবে যখন নির্দেশ দেবে সেটাই করব। আমি মমতা দি ছাড়া কিছু বুঝি না, দল ছাড়া কিছু বুঝি না, যা কিছু গুরুত্ব আমাদের কাছে দলের কর্মীদের এবং সর্বোপরি মমতা দি। এখানে দায়িত্বে আছেন মনোয়দা রয়েছেন, মদিতার সঙ্গে কথাবার্তা নিয়মিত যোগাযোগ আছে, যে নির্দেশ যখন আসবে সেই নির্দেশটুকু পালন করতে আমি সবসময় তৈরি আছি। ঠিক আছে।
मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे तो सर ने बताया है कि इसमें पहले सिर्फ गायनी ऑप्स का केसेस होते थे, लेकिन अभी जो खोले हैं कि सारे स्पेशलिटीज में रहेंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइजेज में, क्योंकि अभी जितने भी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेज में नहीं होते हैं और अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अच्छा सर्विस विद अफोर्डेबल प्राइजेज में हो। और यहाँ पर किस किस तरह का आप लोग इलाज कीजिएगा, क्या क्या ऑपरेशन होगा? सारे डिपार्टमेंट्स जो मेन है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, आई का स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, उसमें हर तरह का फैसिलिटीज अवेलेबल है। आईसीयू का भी अवेलेबल है? आईसीयू का अभी है, लेकिन आईसीयू का है सीरियस पेशेंट्स। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं से बाहर से भी यहाँ पर आएंगे? आसनसोल दुर्गापुर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपका परिचय? आपका परिचय? मैं डॉक्टर विनीता तुलसिया, ऑप्स एंड गायनी, लेडीज गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो हमने अभी नर्सिंग होम खोला है, यहाँ पे सारे तरह के जो फैसिलिटीज हैं, सारे ब्रांचेस के जो है हम लोग मेडिकल और सर्जिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आई डिपार्टमेंट है जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सारे तरह के सबसे मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे हमारे पास हैं, इंक्लूडिंग फेको सर्जरी, लिड सर्जरी जो भी, वो सब भी यहाँ पे होंगे, स्क्विड सर्जरीज होंगे, ग्लॉकोमा सर्जरीज होंगे, तो सारे तरह के आई के सर्जरीज यहाँ पे होंगे। आई के बाद आई को अगर बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देखें तो यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक मेडिसिन, जनरल डिपार्टमेंट्स देखें तो जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे हम रन करेंगे। यहाँ पे इन हाउस ही हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आई के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक सर्जन मैं खुद हूँ, डॉक्टर सी एस सिंह मेरा नाम है, और जो है बाकी विजिटिंग कंसल्टेंट्स को भी हम यहाँ पे बुलाएंगे जो बाहर से आकर के पेशेंट्स का इलाज करें। अच्छा, अभी के दौर में जो कोरोना जैसे महामारी चल रही है, क्या इस तरह का पेशेंट भी अगर आपके पास आते हैं तो उनका भी इलाज? बिल्कुल, हमारे पास मेडिसिन की फैसिलिटीज़ हैं, जनरल मेडिसिन की पूरी फैसिलिटीज़ हैं, आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन वगैरह और ईवीजी मशीन्स वगैरह सारे हैं, तो हम फुली इक्विप्ड हैं कोरोना पेशेंट्स को लेकर ट्रीट करने के लिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सी एस सिंह, पीडियाट्रिक सर्जन। थैंक यू।